लोकसभा चुनाव के पहले चरण में एमपी की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई। हमारी टीम ने वोटिंग परसेंटेज को देख रुझानों को समझने की कोशिश की। आखिर वोटिंग बढ़ने या कम होने से किसको फायदा होता है? सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की। वोटिंग खत्म होने के बाद भी छिंदवाड़ा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यहाँ रात 9 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक 79.65% वोटिंग हुई है, जो 2019 के मुकाबले लगभग 2.50% कम है। पहले का ट्रेंड देखें तो छिंदवाड़ा में मतदान बढ़ने पर बीजेपी को फायदा हुआ है। मंडला में 2019 के मुकाबले शाम 6 बजे तक 6% कम वोटिंग थी। यदि वोटिंग में बढ़ोतरी नहीं हुई तो यहाँ भाजपा का वोट शेयर कम हो सकता है। एक्सपर्ट वोटर्स के उत्साह कम होने का असर हार जीत के मार्जिन पर होना मानते हैं। बालाघाट में 73% मतदान होने की खबर है। यहाँ वोटिंग पैटर्न पिछले चुनाव की तरह ही दिखा है। वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले 3 चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने पर जीत का अंतर बढ़ा है। एक्सपर्ट यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर बसपा के साथ बंटना मान रहे हैं। जबलपुर में बीते 3 चुनावों से वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार 9% कम वोटिंग होती दिख रही है। इससे बीजेपी का वोट शेयर कुछ कम होगा। मुस्लिम बाहुल्य जबलपुर पूर्व विधानसभा में सबसे कम 54% वोटिंग हुई है। शहडोल में भी लगभग 10% कम वोट पड़े हैं। यहाँ का वोटिंग ट्रेंड ये है कि जब जब वोटिंग बढ़ी है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता रहा है। एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी की हिमाद्री सिंह की जीत का मार्जिन कम हो सकता है। अब बात 6 लोकसभा सीटों में सबसे कम वोटिंग वाली सीधी संसदीय सीट की। यहाँ 2019 के मुकाबले 17% कम वोटिंग हुई। पिछले ट्रेंड को देखें तो वोट प्रतिशत बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिला है, लेकिन इस बार सस्पेंस की स्थिति बन गई है।